इटावा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों को मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्तों की पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से दो तमंचा, 315 बोर, चार जिंदा कारतूस, एक मिस कारतूस, एक खोखा कारतूस, 315 बोर तथा 920 ग्राम चरस बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त आशीष जाटव पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी आशा नगरिया थाना अछलदा जिला औरैया तथा 28 वर्ष पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ पप्पू पुत्र जगपाल सिंह सेंगर निवासी बरुआ थाना विधुना जनपद औरैया के निवासी हैं। देखिए, थाना बकीवर जनपद इटावा में दो मुजरिम मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए हैं और इनके पास से दो 315 बोर का तमंचा, चार जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, 920 ग्राम चरस अवैध बरामद की गई है। साथ ही साथ इन्होंने पुलिस पर फायर भी किया था, लेकिन पुलिस ने आवश्यक बल करके इनको 3:40 पर गिरफ्तार किया है बकीवर थाना अंतर्गत। और इनसे जब पूछताछ की गई, इनका नाम आशीष और पुष्पेंद्र, जो कि क्रमशः अछलदा और औरैया जनपद के रहने वाले हैं तथा ये दोनों शातिर बदमाश हैं। इनके कई बार इनके द्वारा लूट और जो है NDPS के तहत जो चरस और गांजा का जो बिजनेस होता है वो करने की बात सूचना मिलती रहती है। कई बार इन पर ये भी आरोप लगा है कि ये छोटी छोटी लूटें करते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं किसी का। कई बार लोग कंप्लेन भी नहीं करते हैं इनके इन घटनाओं के करने के बाद। लेकिन पुलिस को एक टिप ऑफ मिला था बकीवर पुलिस को जनपद इटावा में, जिसके आधार पर पुलिस इनके 3:40 प्रातः जो इनको पीछा कर रही थी तथा इन्होंने फायर किया पुलिस पर, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक बल लगा कर इनको गिरफ्तार किया है, जिसके आधार पर इनके खिलाफ 8/20 NDPS एक्ट का 307 IPC का मुठभेड़ का अभियोग भी दर्ज किया गया है तथा इनका पुष्पेंद्र का आपराधिक इतिहास भी इससे पहले भी है जनपद औरैया में, और आशीष के बारे में भी अभी इसके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है तथा इनको नियमानुसार गिरफ्तार करके जो हमारी बकीवर की पुलिस है सर्विलांस एसओजी प्रभारी तथा जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं बकीवर के, उनकी संयुक्त अभियान द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है तथा नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ मेरे द्वारा पुलिस टीम को 10,000 रुपये इनाम की घोषणा भी की जा रही है। सर, जो अभी तक जो सूचना मिली है, जो पूछताछ की गई है, जो जानकारी की गई है, उसके आधार पर दो और तीन अभियोग दर्ज करने की जो सूचना मिली है, बाकी और भी तफ्तीश पे की जा रही है। और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जहाँ से नशे के सामान आते हैं उनसे ये ला करके यहाँ पर इटावा में बेचने का प्रयास कर रहे थे, जिसके आधार पर इनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सर, जो चरस पकड़ी है उसकी अनुमानित कीमत क्या होगी? चरस की कीमत लगभग जो है 1,00,000 के आसपास है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।